में भी यहाँ पर कुछ पुलिस चेकिंग होगी बॉर्डर पे। हेलो मेरे अमीगोस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसा कि आपको बताया, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो पोर्चुगल में, और मैं आपको घुमाती हूँ यहाँ के शहर। लेकिन आज मैं इस शहर से, इस देश से ही बाहर जा रही हूँ, इसके पड़ोसी, पोर्चुगल के पड़ोसी स्पेन में, क्योंकि मैंने सोचा एक ही ज़िंदगी तो है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो सेनोरिटा उठाओ अपना झोला और चल पड़ो। तो मैं आपको घुमाती हूँ स्पेन। मुझे अभी यहाँ से लेनी है फ्लिक्स बस, मैं अभी पोर्टो में हूँ, यहाँ से मैं फ्लिक्स बस लूँगी और जाऊँगी कोइम्ब्रा और वहाँ से जाऊँगी मैं स्पेन। वमशा, I'm so excited. तो ये आ गई है मेरी बस 1201। तो हम आ गए हैं कोइम्ब्रा। अब यहाँ से हमें दूसरी बस पकड़नी है जिसके लिए आधा घंटा वेट करना है। तो अभी मैं कोइम्ब्रा में रुक करके फटाफट से कुछ खा रही हूँ, इसके बाद मुझे भाग करके बस पकड़नी है। फटाफट खाती हूँ। बस आ गई है स्पेन के लिए। माय गुडनेस, मैं भाग भाग करके आ रही थी क्योंकि मुझे लगा निकल जाएगी, लेकिन ये लेट हो गई है। थैंक गॉड। में भी यहाँ पर कुछ पुलिस चेकिंग होगी बॉर्डर पे। ओह गुडनेस यार, मेरी फट के हाथ में आ गई थी। मैं एकदम डर गई थी क्योंकि हम लोग की बस सलामांका बॉर्डर पे जब स्पेन में एंटर कर रहे थे तो रुकी और पुलिस वाले चेक कर रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ पूछा कि कौन सलामांका जा रहा है, तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट लेकर के नीचे आओ। तो मैं पासपोर्ट लेकर के नीचे गई और मुझे कहते कि ये जो पासपोर्ट है सिर्फ पोर्चुगल के लिए वैलिड है और स्पेन के लिए नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन शेंगेन एरिया में आता है तो क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि कितने दिन रुकना है, तो मैंने कहा सिर्फ 4-5 दिन के लिए। तो कहते हैं कि चलो ठीक है जाओ तुम। मैं सच में बहुत डर गई थी। मैंने कहा यार अगर इन्होंने बोला कि ये वैलिड नहीं है तो यहाँ से क्या मैं वापस जाऊँगी और मैं कैसे जाऊँगी। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ रहा था, बट थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, सब कुछ इशू नहीं हुआ। और अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर लंच करने के लिए, तो मैं अंदर जा कर के देखती हूँ कि क्या खा सकता है, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। क्या लूँ,
तो ये है यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल का बॉर्डर, और यहाँ पर एंटर होते ही 1 घंटा आगे आगे चले जाता है। तो बस का टाइमिंग एक्चुअली था 4 घंटे 15 मिनट, तो 9:50 पर मैं निकली थी और 3:05 पे मुझे पहुँचना है। तो मैंने सोचा कि ये 4 घंटे 15 मिनट तो नहीं होता है, फिर बाद में दिमाग आया कि जब 9:50 हो रहे होंगे तब मैं पुर्तगाल में रहूँगी, और जब 3:05 होंगे तब मैं स्पेन में रहूँगी, तो वहाँ पर टाइम 1 घंटा एक्स्ट्रा चलता है, आगे चलता है। लेकिन ऑटोमेटिक सेट हो गया है, तो अभी 1 घंटे में पहुँच जाऊँगी मैं। ये यह है यहाँ पर 24 खुला रहने वाला ढाबा कैफेटेरिया।